उदयपुर से करीब 80 किलोमीटर दूर जाड़ोल तहसील के ओगणा क्षेत्र में रामकुंडा बहुत प्राचीन स्थान है। उदयपुर न्यूज की टीम आज यहां पर पहुंची है और आज हम आपको कई वर्षों पुराना एक ऐतिहासिक स्थान बताएंगे जिसको देखेंगे आप। मेरे पीछे देख सकते हैं आप एक 40 फीट झरना गिर रहा है जो कि कई वर्षों से चल रहा है और ये झरना प्राकृतिक झरना है। यहाँ पर बारिश के दिनों में झरना चालू होता है और पूरे साल भर ये झरना जारी रहता है जिसका पानी, यहाँ पर एक कुंड है, आप कुंड को देख सकते हैं कि बहुत ही शीतल जल है, बिल्कुल साफ़ सुथरा कुंड है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आदिवासी क्षेत्र होने के बाद भी यहाँ पर जो इस कुंड में जो मछलियाँ हैं वो आदिवासी इन मछलियों का शिकार नहीं करते हैं। इसी को लेकर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र का हरिद्वार भी बताया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो आदिवासी लोग हैं वो इस कुंड के अंदर अस्थियाँ विसर्जन करते हैं। अब हम आपको ले जाएंगे सीधे महादेव के मंदिर के वहाँ, जहाँ पर महादेव के दर्शन कराएंगे और पुजारी जी से भी बात करेंगे। एक सुनो जी मेरे भोलेनाथ जी, एक सुनो जी मेरे दीनानाथ जी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेवा डम डम बजता जाए रे, ओ सर से तेरे बहती गंगा, काम मेरा हो जाता चंगा, नाम तेरा जब लेता, तेरा जब लेता ना, मैं तो भोले बाबा शाम का। रामकुंड के बाद हम पहुंचे हैं महादेव मंदिर पर। इस समय हमारे साथ इस मंदिर के पुजारी है, उनसे जानेंगे इस मंदिर के कुछ इतिहास के बारे में। जी पुजारी जी, उदयपुर रेडियो उदयपुर न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम? मेरा नाम बंसीलाल सागिया है। मंदिर कितना पुराना है, क्या इतिहास है इसका, थोड़ा बताया। मंदिर हजारों साल पुरानी, इसका कोई पता नहीं है, हजारों साल पुरानी है और दो तीन पीढ़ी से हम सेवा करते आ रहे हैं। और हम सेवा करें तो हमको कोई वो नहीं है कि तनख्वाह से सेवा करें, तनख्वाह से नहीं, हम तो भगवान के ऐसे ही सेवा कर रहे हैं। निशा यहाँ से पानी जंगल में आता है, ऑटोमेटिक पानी स्विच कला चलता ही रहता है, पानी स्विच कला चलता रहता है, झरना पड़ता है, वो कुंड में जाता है, राम कुंड है उसमें, उसके नीचे सीता कुंड है, वो सीता कुंड में वो पानी जाता है और कुंड के अंदर मछली है बड़ी बड़ी, तो साफ सुथरा बात करते हैं यहाँ पर, आरती करते हैं यहाँ पर, भगवान खुद परसाए कुछ न कुछ हाथ नहीं करता है, कुछ जंगल के बीच में स्विच कला पानी चलते रहते हैं, झरना चलते रहता है। आदिवासी का क्षेत्र है यहाँ पर, है ना, और सबसे बड़ी बात यहाँ बताया जा रहा है कि जो आदिवासी वो अस्थियों का विसर्जन भी यहाँ करते हैं। हाँ, सबसे आदिवासी अनारा सबके वो गंगा जी जाता है यहाँ पे करता है, वैशाख महीने भीड़ लगती है, पूरा वैशाख माँ वो करते आते, रात रहते जागरण करते, सब कुछ करते, किसी की मन्नत पूरी होती तो वो प्रसादी भी करते हैं। हाँ, किसी के कई मन में करें जाते कि पूरे तो उसके लड्डू बाटी प्रसादी प्रसाद भी करते, जागरण भी करते, सब कुछ चालू रहते। तो सुना आपने, उदयपुर से 80 किलोमीटर दूर ओगणा क्षेत्र में रामकुंडा महादेव मंदिर है जो कि आदिवासी का हरिद्वार कहा जाता है। इस कुंड में इस आदिवासी क्षेत्र के जो लोग हैं अस्थि विसर्जन करते हैं, साथ ही यहाँ जो मछलियाँ हैं उन मछलियों का शिकार भी नहीं करते। अब हम दिखाएंगे महादेव के, आपको दर्शन कराएंगे सीधे। मैं अपने सहयोगी रोबिन गोड को बोलूँगा कि वो मंदिर के अंदर आए और महादेव के दर्शन कराए। उन तमाम भक्तों को मैं बताना चाहूँगा कि महादेव के दर्शन कराने के लिए रामकुंडा जो मंदिर है उसमें महादेव के मंदिर के लिए हम आपको पास ले जाएंगे उनके, और महादेव का जो है आपको दर्शन कराएंगे। ये देखिए महादेव का काफ़ी हजारों वर्ष पुराना मंदिर है जहाँ पर महादेव का शिवलिंग बना हुआ है, त्रिशूल लगा हुआ है, साथ ही गणपति सरस्वती माता और लक्ष्मी माता भी बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं अब टीवी स्क्रीन के ऊपर महादेव जी विराजे हुए हैं जिनकी हजारों वर्षों से मंदिर पुराना है और रोज़ सुबह शाम इनकी सेवा पूजा होती है। ये आस्था का मंदिर है, यहाँ पर आदिवासी क्षेत्र के लोग काफ़ी आते हैं,
इसके बाद इस मंदिर के परिसर में ही महादेव का एक बहुत पुराना स्थान और भी है, जो कि काफ़ी सबसे पुराना स्थान यही बताया जा रहा है। आप शिवलिंग बना हुए, नंदी जी बैठे हुए, गणपति जी, सरस्वती माता, लक्ष्मी माता सभी विराजमान हैं, और यहाँ पर भी सेवा पूजा रेगुलर होती है। इसके बाद हम बताएंगे आपको उस मंदिर परिसर के चारों जो है कि बिल्कुल शांत वातावरण है और प्रकृति की देन है। चारों तरफ बड़े बड़े जामुन के पेड़ हैं, यहाँ पर इन पेड़ों की छाँव में आम के पेड़ भी हैं। यहाँ पर जो कि क्षेत्र के लोग हैं, जामुन के पेड़ हैं बड़े बड़े, क्षेत्रों के लोग प्रसादी करते हैं। तो देखा आपने, आज हमने आपको उदयपुर से 80 किलोमीटर दूर ओगड़ा क्षेत्र में रामाकुंडा महादेव के दर्शन कराए। सहयोगी रोबिन गोड के साथ कमल वसीटा, ATN उदयपुर न्यूज़।